महानगर पालिका ने राज्य सरकार के निर्देशों पर कड़े लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके बाद जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़ बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रखने के आदेश का पालन कराने में पुलिस बल लग गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने दी। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार द्वारा कड़े नियम लगाए गए, जिसका पालन नागरिकों द्वारा शहर में किया जाए, इस दृष्टि से पुलिस कार्यरत रही। इस बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों का पालन शहर में हो, इसलिए पुलिस जगह जगह तैनात रही और जनता के मन में जितने भी संभ्रम पैदा हुए उनका निवारण पुलिस द्वारा किया गया। महाराष्ट्र शासन के गाइडलाइन के मुताबिक कल दिनांक 5 अप्रैल से रात को 8 बजे से लेके तो 30 अप्रैल 2021 के रात को 12 बजे तक शासन ने जो नियमावली चालू कर दी है उसका पूर्णतः पालन नागपुर शहर में और पुलिस स्टेशन तहसील में हो रहा है। आपको ज्ञात था कि कल रात को 8 बजे सभी ने दुकान बंद कर दिए थे। आज भी गाइडलाइन के मुताबिक जो दुकान एग्जेम्प्टेड है एसेंशियल कमोडिटीज में वो छोड़ के बाकी सब दुकान बंद थी। बीच में थोड़ा स्लाइटली कन्फ्यूजन हुआ था शहीद चौक में व्यापारी वर्ग में, तो वो कन्फ्यूजन भी हमने उनका दूर करके उनको अपील किए कि शासन ने जो गाइडलाइन दी है कोरोना जैसी बीमारी को अपने को अगर हराना है तो शासन की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए और लोगों को समझा दिए। लोगों ने गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे तहसील परिसर में शहीद चौक, मोमिनपुरा, गांधीबाग जो मेन मार्केट है वो जो गाइडलाइन के मुताबिक पूरा बंद है और जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टन किया है उसको चालू है। इसके बरकरार भी किसी ने अगर दुकान चालू रखे होंगे तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और अभी पूरा जो शासन के जो धोरण है उस मुताबिक काम चल रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियमों का पालन तहसील पुलिस थाना अंतर्गत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।